नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका काम की बात में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अमित, और इस वीडियो में आप जानेंगे रामनवमी के बारे में। रामनवमी का संबंध भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। भगवान विष्णु ने हर युग में अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अनेकों अवतार लिए। उन्होंने इन्हीं अवतारों में से एक अवतार भगवान श्री राम के रूप में लिया था। जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया, वह दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन था। यही कारण है कि इस तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, और यह चैत्र नवरात्रि का भी अंतिम दिन होता है। आइए अब जानते हैं भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ था। पौराणिक ग्रंथों में जो कथाएं हैं उनके अनुसार भगवान श्री राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे। उनके जन्म का एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना, मानव समाज के लिए एक आदर्श पुरुष की मिसाल पेश करना और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना था। यहाँ धर्म का अर्थ किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बल्कि एक आदर्श कल्याणकारी समाज की स्थापना से है। राजा दशरथ, जिनका प्रताप दशों दिशाओं में फैला हुआ था, उन्होंने 3 विवाह किए थे, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऋषि मुनियों से जब इस बारे में विमर्श किया गया तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के बाद यज्ञ से जो खीर प्राप्त हुई उसे राजा दशरथ ने अपनी प्रिय पत्नी कौशल्या को दिया। कौशल्या ने उसमें से आधा हिस्सा केकई को दिया, और इसके बाद कौशल्या और केकई ने अपने हिस्से से आधा आधा हिस्सा तीसरी पत्नी सुमित्रा को दिया। इसलिए चैत्र शुक्ल नवमी को माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। केकई जी ने भरत जी को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी व शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। आइए अब जानते हैं कि रामनवमी कैसे मनाई जाती है। भगवान श्री राम को मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। उन्हें पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ पुरुष की संज्ञा दी जाती है। वे स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते। अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां वे अपनी पत्नी सीता के प्रति समर्पित व उनका सम्मान करते हुए नजर आते हैं। वे समाज में व्याप्त ऊंच नीच को भी नहीं मानते। शबरी के झूठे बेर खाने और केवट की नाव पर चढ़ने के उदाहरण इस बात को समझने के लिए सर्वोत्तम है। वेद शास्त्रों के ज्ञाता और समस्त लोगों पर अपने पराक्रम का परचम लहराने वाले, विभिन्न कलाओं में निपुण लंकापति रावण के अहंकार को ध्वस्त करने वाले पराक्रमी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की भक्ति में डूबकर भजन कीर्तन किए जाते हैं। जगह जगह पर श्री राम कथा सुनाई जाती है। रामचरितमानस और श्री राम स्त्रोत का पाठ करवाया जाता है। कई जगहों पर भगवान श्री राम की प्रतिमा को झूले में भी झुलाया जाता है। रामनवमी को कुछ लोग उपवास भी रखते हैं, और यह मान्यता है कि रामनवमी को उपवास रखने से सुख समृद्धि आती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ष रामनवमी का महापर्व गुरुवार यानी 2 अप्रैल 2020 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाएगा। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि भगवान श्री विष्णु जी ने धर्म की स्थापना और अधर्म के समूल नाश के लिए त्रेता युग में धरती पर भगवान श्री राम के रूप में मनुष्य अवतार लिया था। भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में से एक अवतार त्रेता युग में सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी में सूर्य वंश के राजा दशरथ की महारानी कौशल्या के गर्भ से चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। तब से लेकर आज तक युगों युगों से चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और जो नए दर्शक हैं वे हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में दी गई घंटी पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दे। हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेटीएम या पेट्रियन लिंक पर क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार सहायता राशि प्रदान करें।